बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक मर्द और उसकी वाइफ रहते थे। जो मर्द था वो बहुत ज़्यादा दारू पीता था। दारू पीते 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 वो इतना पागल हो गया था दारू के पीछे में कि अपनी वाइफ को बहुत मारता था। ए कुतिया, चल पैसा निकाल, चल निकाल। अरे नहीं है पैसा मेरे पास, कहाँ से दूँ मैं आपको, बताइए ना। ऐसे करते करते ना मैं मर जाऊंगी किसी दिन, सच्ची बता रही हूँ। तो अगर तू पैसा नहीं देगी तो जा, तू मर जा, लेकिन मुझे पैसा दे के मर, ऐसे नहीं तुझे मरने दूंगा मैं। आप भी ना समझते नहीं है, देखो ना दूसरे लोग कैसे रहते हैं। एक आप हो जो ऐसे बातें करते हो मुझसे, हमेशा दारू पीते होते हो। देख दुनिया क्या करती है क्या नहीं करती है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तू बस मुझे पैसे दे, तेरे पास नहीं है तो तू अपने बाप से मांग के दे। उसने साले ने मुझे दहेज नहीं दिया, बता चल। ये इनका रोज का नाटक था। धीमे धीमे जो औरत थी उसकी वो मर जाती है और मर के वो चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल बनने के बाद उसकी आत्मा भटकने लगती है। इधर ये देखती है कि इसका जो आदमी है ये किसी दूसरे औरत पे डोरे डाल रहा है। इस कुछ चुड़ैल को ना क्रोध आ गया। वाह कुत्ते, तूने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे मार भी डाला और फिर भी तू ऐसे काम कर रहा है। किसी और लड़की को लाएगा तू और उसको भी मार डालेगा। फिर वो उसके सामने आती है, कहती है धनी राम तुम सुधर जाओ, तुम अगर सुधरे नहीं तो बहुत बुरा होगा। अरे 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 तुम कौन हो, तुम तो चुड़ैल हो और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। मैं चुड़ैल नहीं, तुम्हारी पत्नी हूँ, तुमने मुझे मार डाला है। अच्छा जी, मार तो गई फिर भी तो मेरे पास आ रही हो। भाग जा यहाँ से, भाग जा वरना मैं किसी तांत्रिक को बुला के तुझे वश में करवा दूंगा। इसकी बात को सुन के चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ गया। ए कुत्ते, इसके बाद से ये उसके शरीर में समाने जाती है। लेकिन अचानक ऐसा होता है कि जो इसका शरीर है उसके शरीर में फिट नहीं हो पाता है और आधे पे ही अटक जाता है। आधा शरीर चुड़ैल का होता है और आधा शरीर आदमी का होता है। अरे कुतिया, तू तो मर गई और फिर भी मेरे पीछे पड़ गई। चल निकल जा, अब मैं कोई दारू नहीं पीऊँगा, किसी को परेशान नहीं करूँगा मैं, निकल जा। ऐसे कैसे निकल जाऊँ मैं, मैं नहीं मानती किसी चीज को। प्लीज़ निकल जाओ ना, प्लीज़ निकल जाओ, मेरा दारू पीने का टाइम हो रहा है। तेरा दारू पीने का टाइम हो रहा है, तू अब मुझसे अलग हो के दिखा। तू मुझे प्यार नहीं करता था, तू मुझे मानता नहीं था, अब तू किनारे हो के तो दिखा। अरे नहीं, ठीक है, मैं ना दारू नहीं पीऊँगा, मैं तुमको नहीं मारूँगा, प्लीज़ निकल जाओ मेरे शरीर से। अब मैं ऐसा शरीर लेके किसके पास जाऊँगा, कोई नहीं रुकेगा मेरे पास। यही तो मैं चाहती हूँ कि तेरा जीना हराम हो जाए, तूने मुझे मार डाला है, मैं तेरा जीना हराम कर दूँगी। और जो तेरे दोस्त लोग हैं ना, जो तुझे बुला बुला के दारू पीते हैं, मैंने कभी उन कुत्तों को नहीं देखा है कि वो अपने पैसे दारू पिए, हमेशा तुझसे पैसा मांगते हैं। बता मैं कहाँ से पैसा लाती, कहाँ से तुझको मैं देती कि जाके तू उनको दारू पिलाता। नहीं मैं नहीं करूँगा कभी, प्लीज़ छोड़ दो मुझे, मैं दारू नहीं पीऊँगा। तेरे कहने से क्या होता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चल अब मैं तुझे जंगल की सैर कराऊंगी, तू घर में बहुत पक गया है। इसके बाद से चुड़ैल उसको लेके जंगल की तरफ उड़ जाती है।
उड़ने के बाद ये देखता है और चिल्लाता है, अरे नहीं, बहुत ऊंचाई पे हूँ मैं, प्लीज़ मैं गिर गया तो मर जाऊँगा, मुझे मत छोड़ना। नहीं, अब छोड़ देती हूँ तुझे, तुझे छोड़ देती हूँ। नहीं 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 नहीं, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, मत छोड़ना मुझे। चल मैं भी देखती हूँ जो तेरे दोस्त हैं वो तुझे कैसे स्वीकार करते हैं, कैसे तुझे वो दारू पिलाते हैं। चल। इसके बाद से वो जाती है। नेक्स्ट पार्ट अपकमिंग सून।